ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनके पास नेट नहीं है और वो पीएचडी भी कर रहे हैं और ये जॉब भी कर रहे हैं बट नेट नहीं है, किसी कॉलेज में जॉब कर रहे हैं। तो पहली सिचुएशन ले रहे हैं कि बच्चे के पास नेट नहीं है और पीएचडी में उसने एडमिशन डाल दिया है, किसी कॉलेज में जॉब कर रहा है। जब आप यहाँ किसी कॉलेज में जॉब कर रहे हैं तो अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहली तो आपके पास नेट है नहीं, तो आपके यहाँ पे आपको बहुत लंबे समय तक यहीं रहना पड़ेगा जब तक आपका नेट नहीं होगा, जब तक आप गवर्नमेंट में नहीं जा पाते और अल्टीमेटली आप जाना ही चाहते हैं कि आप गवर्नमेंट में ही जाना चाहते हैं। तो ये सिचुएशन जो है ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है, यानी कि ये आपका जो दिमाग है, जो आपका जो माइंड है, उसको और अधिक उलझा देती है। क्योंकि एक तरफ पीछे अनसिक्योरिटी है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे नेट नहीं है, दूसरा कि यहाँ पर हम पीएचडी कर रहे हैं यानी कि हमारा यहाँ पर भी वर्कलोड बढ़ गया, तीसरा प्रॉब्लम कि हम यहाँ पे जिस कॉलेज में या स्कूल में आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे आपकी 8 से 10 घंटे की जॉब रहती है या जितने भी रहती है, उस जॉब का भी आपके पास लोड है, यानी कि एक लोड ये हो गया, एक लोड ये हो गया, एक टेंशन ये हो गई। इस सिचुएशन में फिर आपकी ये प्रिपरेशन काफ़ी बड़ी मुश्किल हो जाती है। और ऐसे में मेरा अनुभव है, मैंने बहुत से बच्चों को ऐसे देखा है, बहुत से हमारे नॉन है, जानकार हैं, जो लंबे समय से उनको 5 साल 6 साल 10 साल हो गए और वो इसी ये एक प्रकार का ट्रैप बन जाते हैं, यानी कि यहाँ पे ये करते करते ये करते करते बच्चा यहाँ आता है, यहाँ से यूँ रास्ता बन जाता है, ये इस तरह का ये एक साइकिल बन जाता है। ये कभी हो नहीं पाती, और ये जब हो नहीं पाती है तो यहाँ पे ये चीज़ भी हमें नहीं मिल पाती प्रेजेंट रूल के हिसाब से, इस सिचुएशन में है। बट करें क्या, फिर दो काम कर सकते हैं। पहला तो ये जो वर्कलोड है इसका, इस वर्कलोड को देखो कि क्या है, अगर शुरुआत है तो रोक दो, अगर मेजोरिटी में हो चुका है काम तो कंप्लीट करो, इससे फिर यानी कि माइंड को यहाँ से रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है, पहला स्टेप। आप कहेंगे साहब ये तो हमारे बस की बात नहीं, हम तो स्टूडेंट हैं, हमारे जो टीचर हैं, ओके आपकी बात मान ली, तो इसको छोड़ दो एक बार। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर एक काम ये करना है कि यहाँ पे आप जितने घंटे जॉब कर रहे हैं, 5 घंटे 10 घंटे 8 घंटे, आप जॉब को इस प्रकार से करें, यानी कि जॉब मतलब हम क्या करते हैं, हम टीचिंग करते हैं और प्लस हम इस 4 घंटे 5 घंटे में टीचिंग के साथ साथ हम एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स भी हमें बहुत सारे करने होते हैं, ये कर लो, एडमिशन है, एक्ट अदर एक्टिव, बहुत सारे काम करने होते हैं। मेरा अनुभव है कि साहब 40% तो आप हमें टीचिंग के काम होते हैं और करीब करीब 60% काम हमारे अदर हो जाते हैं, और चूँकि जो भी हमें मैनेजमेंट काम बोलेगा वो तो हमें करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा एक ट्रिक अपनाएं कि साहब जितना संभव हो सके इस इन एडमिनिस्ट्रेटिव काम को कुछ समय के लिए बंद कर दीजिए। आप बोलेंगे सर ये बंद नहीं कर सकते, ओके कोई बात नहीं, बंद नहीं कर सकते, बट आप ये जो 40% जो काम है आपका, यानी कि ये माने कि 10 घंटे आप रहते हैं, 10 घंटे में से आप का 40% हो गया 4 घंटे। अब इस 4 घंटे के अंदर आप जो टीच कर रहे हैं, जो टीचिंग आपकी हो रही है, वो टीचिंग एक मेजोरिटी में देखा गया है कि हमारे पास नोट्स पड़े होते हैं पुराने, मैंने जो देखा है कुछ लोगों के पास, वो हम फाइल में से निकालते हैं, वो हम वहाँ पे पढ़ाना चालू कर देते हैं। यहाँ पे मैं NLP की टेक्निक शेयर कर रहा हूँ, आप उन नोट्स को पढ़ाइए रखिए, बट जो भी आपके वो नोट्स हैं, कोई भी आपका टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल आपका टॉपिक आपने लिया टैक्सोनॉमी, आपने लिया तो आप एक काम करें कि टैक्सोनॉमी का जो यूनिट है उसको आप एक बार उसकी बेसिक पढ़ लें। अब सवाल पूछेंगे बेसिक कहाँ मिलेगा, बेसिक मिलेगा 11th और 12th क्लास की किताब में। आप टैक्सोनॉमी डील करते हैं तो आपकी 11th और 12th क्लास की टैक्सोनॉमी, यानी कि वो जो दो किताब, वहाँ पे आप पूरी पढ़ लो, पहले पूरी उसको समझ लो, और उसको समझने में आपको 2 या 5 घंटे ही लगेंगे, क्योंकि वो आपको आती है, आपका लेवल ऊपर हो गया है, वो स्कूल लेवल की चीज़ है। ऐसे ही आप एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, एनाटॉमी पढ़ा रहे हैं, फिजियोलॉजी पढ़ा रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री, जो भी आप पढ़ा रहे हैं, इसको आप वहाँ पे एक बार पढ़ लें। और एक बार पढ़ने के दो फायदे होंगे, एक तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा, एक दूसरा आपके लिए इंटरेक्टिव हो जाएगा। तो ऐसे अगर आप करते हैं तो ये मेरा एक विश्वास है, मेरा एक बिलीफ है कि अगले 6 महीने के अंदर, यानी कि नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर आपका ये रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसा मैंने एक नहीं
कई सारे स्टूडेंट के साथ हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है, कई सारे स्टूडेंट हैं मेरे ऐसे जो इसी सिचुएशन में थे और आज वो नेट क्वालिफाइड हैं। इवन बहुत से बच्चे तो GRF भी हो गए हैं, और ऐसे बच्चे भी हैं जो GRF होते वो बच्चे इस कॉलेज के जॉब को छोड़ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि सर कॉलेज में पैसे कम मिलते हैं, GRF में ज़्यादा मिलेंगे। आपको कोई सुझाव है तो आप मेरे को बता सकते हैं, और आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और चूँकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ तो गुजारिश की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।